कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति राजा नहीं होता, राजा वो होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, और वो तुम हो। ये लो बेटा। हेलो, कैसे हो गजेंद्र? नया काम है, नया दफ्तर है, मजा आ रहा होगा ना? लेकिन इस घमंड के नशे में तू इतना चूर मत हो जाना जिसकी वजह से तू अपने भाइयों तक को भूल जाए। क्या तू उन्हें डर के मारे भागते हुए देखना चाहता है? मुझे देखकर मजा आ रहा है। तूने मुझसे मेरी ताकत छीनी है, मैं तेरे भाइयों को तुझसे छीन कर उन्हें कुत्ते की मौत मारूंगा ताकि तू खून के आंसू रोए। रंग दो इन्हें, चलो। सोचा था कि मुझे तुम चारों के लिए अलग अलग कब्र खोदनी पड़ेगी, मेहनत बच गई, तुम चारों को एक साथ ही दफनाऊंगा। चार नहीं बे गधे, पांच है। पांचवा कौन है बे? पांचवा कौन है ये जानने से पहले अपने जिगर को मजबूत बना ले। नजरे घुमा, तेरा बाप आ गया है। अच्छा किया गजेंद्र, मुझे लगा था कि तुम अपने भाइयों की लाश उठाने आओगे, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ उनके साथ मरने के लिए आ गए। लोगों का धरती पर आना भगवान के हाथ में है, धरती से जाना यमराज के हाथ में, पर तेरे भाग्य का निपटारा इस गजेंद्र के हाथ में है। अभी तक समझा नहीं? तू इन्हें भगाकर यहाँ नहीं लाया, ये लोग तुझे खींचकर मेरे पास यहाँ लाए हैं। तुम लोग पांच हो, मेरे पास 50 की फौज है। इन्हें देखकर थोड़ा डर नहीं लगा तुझे? है अबे मुच्छड़, तुझ जैसे बुढ़े की धमकी से डर जाए ऐसे गीदड़ नहीं है हम। तुम सबका सामना आज शेरों के झुंड से पड़ा है, और मेरे भाई में 100 हाथियों का दम है जो तुम्हें अकेले पछाड़ देगा। ओहो, ये खून कैसे निकला? इन्होंने मारा भैया। hey, कोई बच के जाने ना पाए। डालो अरे अरे एक मिनट, इसकी खोपड़ी पे क्यों मार रहा है? सीधा लात मार। कैसे लगी भाई? बहुत बढ़िया लगा रहे। किसी पर पीछे से वार नहीं कर। थैंक यू भाई। इसकी छाती पर वार कर। ए नागेंद्र, गले से पकड़, पैर को लॉक कर और उठाकर फेंक दे। अरे अरे अरे, एक जगह पे मत मार, मुट्ठी बना और ठोक जा। बेहोश होकर गिरना चाहिए। पर ये तो गिरा नहीं। एक, दो, तीन। देखा, गिर गया ना? वाह क्या बात है भैया। हे
भैया इसे यहीं पर जला देते हैं। नहीं भैया, इसे ले जाके चौराहे पे लटका देते हैं। नहीं, 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 भैया मैं तो कहता हूँ इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कबों को खिला देते हैं। मेरे भाई शेरों की तरह हैं, छूट दे दी तो फाड़ खाएंगे। मौत को सामने देखकर पसीने छूट गए ना, ये गुंडागर्दी की जिंदगी छोड़कर सुधर जा या फिर ये जगह छोड़कर चला जा, नहीं तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। चला जाऊंगा। भैया। हाँ बोल। सुमित्रा जी और उनकी दोस्तों को मंदिर में कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, अब जाइए और उन्हें बचाइए भैया, जल्दी जाइए भैया। चेरी तूने झूठ क्यों बोला? यही तो फर्क है जीनियस और तुम लोगों में, ऐसा झोलमाल करने के लिए तुम्हें मुझ जैसा वकील होना पड़ेगा या फिर तुम्हें गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स की एक्शन फिल्में देखनी पड़ेंगी। ये 100% काम करेगा ही करेगा। नहीं काम करेगा। अबे ये तो वही है ना जो सुमित्रा देवी के साथ मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती है। यहाँ क्या झाड़ने आ गई? मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था इसलिए यहाँ आ गई। देख लिया ना, अब जाओ जाओ। नहीं जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम मेरी बात मान लो। ये क्या चल रहा है? ये गुलाब कब खिल गया भाई? तुम खुद ही समझ लो। पिक्चर शुरू होने के पहले फ्रेम से तू मेरी आंखों के सामने है, फिर तूने ये सीक्रेट शूटिंग कब कर ली? मैं बताती हूँ ना, इसके बड़े भाई ने हमको घर की चाबी दी और इसने हमें गैस का कनेक्शन दिया, केबल कनेक्शन भी दिया, और तो और पानी का कनेक्शन भी। अबे तू तो वो टावर था जिसका कोई सैटेलाइट कनेक्शन ही नहीं था, तो तूने कौन से तार से इससे कनेक्शन भिड़ा दिया बे? ए, इसकी उंगलियां अटना बंद कर दे नहीं तो घिस जाएंगी। छोड़ना। अच्छा ये बताओ हमारे प्लान में आखिर कमी क्या है? जानते हो सुम्मी को ऐसा लड़का चाहिए जो हिंसा के सख्त खिलाफ हो और शांत स्वभाव का हो, तो क्या तुम्हारे भाई में ऐसे गुण हैं? क्या? मुझे ऐसे गाली मत दो यार। देखो तुम बारे बुरे वक्त में तो मैं ही काम आता हूँ ना, अगर मुझे मार दोगे तो बेल कौन कराएगा? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। निकल ले बेटा। भैया भैया I'm so sorry. नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे? मैं तो ठीक हूँ। ओह अच्छा, ठीक है मैं चलता हूँ। सुनिए ये कलर आप पे बहुत जच रहा है। हेलो भैया। तूने कहा था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ तो सब ठीक है? कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं है, वो सुमित्रा जी से आपका जो टाका भिड़ा था टूट गया था ना, उसे जोड़ने के लिए ही बुलाया था भैया। ना मम्मी। अबे तुझे दारू की 90 लानी चाहिए थी और तूने चाय पत्ती की टी लाकर रख दिया। इसे दारू समझ के ही पी ले। उन दोनों को मिलाने के चक्कर में मेरी लग गई यार। कुत्ता और बिल्ली की आपस में दोस्ती हो सकती है, पर इस तोता मैना को एक पिंजरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते। हमने तेरे कहने पे ये जंग शुरू की है, अब पीछे मत हटियो। हम तुम्हारे भरोसे हैं। तेरे भरोसे भरोसे के चक्कर में ना तुम लोगों ने ऊपर वाले के सामने मुझे परोस दिया है। नहीं हो सकता मुझसे ना। तुम्हारे माँ बाप ने सारे भाइयों में एक छिछोरा कैसे पैदा कर दिया? यहाँ करने आए कुछ, ये कर रहा है कुछ, इसे रोको नहीं तो हम सबकी गारंटेड कुटाई हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? ये मैंने नहीं किया है, रंगारंग कार्यक्रम इसका था। ए, कौन हो तुम लोग? नमस्ते। बोलो। ए, पंबल मत मार, ऊंचा बोलो। नमस्ते मैडम। क्या चाहिए वो बोलो। मैडम हम गजेंद्र के भाई हैं, इस देवी की मूर्ति को नया कर दीजिए। नहीं नहीं हम इस मूर्ति को ठीक नहीं कर सकते, हम बस मंदिर की मूर्तियों को ठीक करते हैं। बस कीजिए, बस कीजिए। मनुष्य का मनुष्य के साथ भेदभाव की वजह से आधी दुनिया वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, अगर हम भगवानों में भी भेदभाव करेंगे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लपेट लिया। सुनो एक बार कह दिया तो कह दिया, एक बार में समझ जाओ वरना मैं अपने पे उतर आऊंगी। सोचा था ये देवी निकलेगी लेकिन ये तो चंडी निकली यारो। ए, हो गया तुम लोग का? मैडम मैडम प्लीज इन पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये और सर? छोड़ो जो करना है वो करो। सुनिए मैं इसे कलर कर दूंगी। थैंक यू। लड़कियों चलो अंदर चलो।
अरे 6:30 बज गए। आपने ऊपर देखकर टाइम इतना करेक्ट बताया। ओ, सूरज को देखकर पता चला होगा। नहीं नहीं नहीं, सूरज को देखकर टाइम पता नहीं चला, हमारे भाई को देखकर पता चला। कल रात को तुमने मेरी दारू में क्या मिला दिया? सर इतना दर्द कर रहा है कि पूछो मत। अरे भैया, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आप अपने सर को इधर से उधर घुमाते रहिए। वो क्या कर रहे हैं? मेरे भैया कसरत, योग, ध्यान, बहुत कुछ कर रहे हैं। सब एक ही टाइम पे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैडम, एक बार मूड आ जाए तो अपने शरीर के 6 चक्र को एक ही लाइन में लगा देते हैं। लेकिन इंसान के शरीर में तो 7 चक्र होते हैं। 7वां चक्कर मैकेनिक को दिया पंचर बनाने। कितनी देर तक योग करते हैं? अरे वो तो जितनी राउंड लेते हैं उतना ही बयान करते हैं। क्या राउंड? मंदिर में जितनी बार प्रदक्षिणा करते हैं उतनी बार। अच्छी आदत है। जरा धीरे, क्यों वो डिस्टर्ब हो जाएंगे? इनका सैटेलाइट कनेक्शन हो गया, चल निकलते हैं अब। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये देखने आए हैं कि मूर्ति तैयार हुई या नहीं। लेकिन मैंने अभी अभी शुरू किया है। अरे कोई बात नहीं, हम फोकट में ही बैठे, आप आराम से टाइम लीजिए। अरे देखो 10 बज गए। अरे बिना घड़ी देखे इतना सही टाइम बता दिया। असल में ना भैया, 10 बजे अपने जानवरों और चिड़ियों के साथ योग ध्यान करते हैं। दाने खा के काफी मोटा हो गया है। चिंतामणि चमड़ी निकालने के बाद ये 1.5 किलो का तो होगा। हाँ भैया। तो इसे फ्राई कर देना। ठीक है भैया। उन्होंने मुर्गी को ऐसे हाथ में क्यों उठाया? भैया वजन चेक कर रहे हैं। मुर्गी मुर्गी, तू अंडे देकर सबकी मदद करती है, पर लोग तुझे मारकर खा जाते हैं, ये बात उसे प्यार से कह रहे हैं। कितने प्यारे इंसान है, एक्सलेंट। ये ठीक नहीं है, इसे और खिलाओ। इसे दिखाओ, ये सही है, अच्छा मटन बनेगा। इसकी बिरयानी और पायसू बनाना। पहले एक बकरी को उठाया, फिर उसे छोड़कर दूसरी को क्यों? अगर एक को उठा लिया और दूसरी को नहीं उठाया तो एक को बुरा लग जाएगा ना मैडम, इसीलिए वो सबको बराबरी का मौका देते हैं, देवता तुल्य हैं। आपने एक्सेलेंट नहीं कहा मैडम, एक्सेलेंट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लीजिए मैडम, मेरे भैया जानवरों से कितना प्यार करते हैं ये बात पूरा गांव जानता है। भैया की मुर्गी आ गई। ठीक से देख, मुर्गी नहीं मुर्गा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइए ना। हाँ आप आइए ना, ये तुम लोगों से इतना प्यार करते हैं और तुम लोग इनकी ही बात नहीं मानते हो। हा? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आगे से इन्हें इतना परेशान किया ना तो सीधे बॉर्डर के बाहर भेज दूंगी, समझ गए? ये लीजिए। हमेशा प्यार से नहीं समझाया जाता, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, समझ गए ना? बाय। भैया आप परेशान लग रहे हैं, बात क्या है? ये लड़की देखने में तो खूबसूरत है पर पता नहीं मुर्गी से बात कर रही थी, लगता है स्क्रू ढीला है। क्या हो गया यार? अरे हमने इतनी मेहनत से भैया का इतना अच्छा इमेज बनाया था, लेकिन उस लड़की ने मुर्गे से बात करके अपना इमेज खराब कर दिया यार।